हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स अन्नपूर्णा किचन। आज हम खजूर पाक बनाएंगे बिना शक्कर के, बिना गुड़ के। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। उसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब ये घी गर्म हो चुका है, ये मैंने यहाँ पे गोंद लिया है। ये आपको कोई भी छोटी सी छोटी शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। अब ये घी में हम ये गोंद को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे निकाल देंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिया है, काजू लिया है और अखरोट लिया है। अब जो भी चाहे वो ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मैंने फिर से इसमें घी डाला नहीं है, जो घी था उसी में हम ये रोस्ट कर लेंगे। अब आखिर में हम ये सूखी काली द्राक्ष वो डाल देंगे। अब ये अच्छी तरह से सब रोस्ट हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। मैंने वही कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब यहाँ पे जो हमने ये गोंद फ्राई किया था, ये बहुत नाजुक होता है, आप ऐसे कटोरी से दबाओगे तो वो अच्छी तरह से क्रश हो जाएगा। अब ये घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने खजूर लिया है, इसके अंदर बीज नहीं है। अब इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सीडलेस ब्लैक खजूर लिया है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए मैंने मिक्सर में क्रश नहीं किया। आपका अगर थोड़ा सा हार्ड हो तो आप थोड़ा सा इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच जिंजर पाउडर डालेंगे, ड्राई जिंजर पाउडर, और 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पे खसखस डालूंगी। अगर आपके पास नहीं है खसखस तो इस जगह पे आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये खजूर अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब यहाँ पे हम ये जो हमने गोंद लिया था इसे ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे ये इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने थाली में अच्छी तरह से इसे फैला दिया है। अभी ठंडा होने पर हम इसके पीसेस काट लेंगे। देखिए हमारा ये खजूर पाक बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।